सुबह 2 घंटे काम और महीना 1,20,000 रुपए की कमाई, ये हुआ ना बिजनेस। इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सीखने को मिलेगा आपको आज के इस एपिसोड में। शुरू करने से पहले, जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, मेंबर्स हैं, 2 चीज़ें छोटी छोटी बात करनी है उनसे, मैं जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़, 2 साल पहले स्मार्ट आइडियाज़ का शुरुआत 6 नवंबर को हमने किया था। आज 6 नवंबर है, तो स्मार्ट आइडियाज़ के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है कि अभी रात के 3 बज रहे हैं, तो ये वीडियो कल मिलेगा आपको, तो 7 नवंबर को आपको ये वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ इसी महीने में जब हमारा जन्मदिन है चैनल का, उसी दिन 2 मिलियन सब्सक्राइबर भी हमारे चैनल ने पूरा किया है। इसके लिए आप सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ और आपके सहयोग के लिए, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं आज ये वादा करता हूँ कि मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली में एक यूट्यूबर महोदय से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपका नंबर दीजिए। मैंने नंबर एक्सचेंज किए और हम मिल लिए। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, पहले कुछ बातचीत तो कर लेते हैं। तो आप देखिए कितना मज़ेदार है, आज आपको पूरा सीक्रेट पता चलेगा यूट्यूब का। आज तक किसी ने बताया नहीं होगा इन सब चीज़ों को, जो आज आपके सामने मैं रिवील करने वाला हूँ, यूट्यूब की पूरी सच्चाई। मैं कितना कमाता हूँ, कौन कितना कमाता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या वीडियोस प्रमोशनल होते हैं, क्या वीडियोस बनाने के पैसे मिलते हैं, क्या सेटिंग होती है, जो कुछ कमेंट्स आते हैं उसका सारा जवाब आज मैं देने वाला हूँ। इन सब के ऊपर पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरा सच्चाई आज आपको पता चलने वाला है। मेरी मुलाकात यूट्यूबर महोदय से हुई, तो उन्होंने कहा कि सर आपके तो 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। मतलब वो मुझे एडवाइस कर रहे थे, आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो आपके तो व्यूज़ खूब आने चाहिए, दमदार आने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि यार मेरे जितने व्यूज़ आ रहे हैं मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि अगर आप सब जानते हैं कि मेरी वीडियोज़ काफ़ी डिले होती हैं, काफ़ी लेट आती हैं। इसका कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपको क्वालिटी दूँ, जो भी वीडियोज़ बनाऊँ सच आपके सामने रख दूँ। ये मेरी हमेशा से यही जो है हमारी कोशिश होती है। अगर मैं चाहूँ तो महीने का 30 वीडियो, यानी कि रोज़ का 1 वीडियो मैं YouTube पर, अगर मुझे कंटेंट ख़राब करना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि इतने रिक्वेस्ट मेरे पास आते ही हैं वीडियोस बनाने के लिए कम से कम। तो मैं ऐसा करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो मन है, जिसके लिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की है, जब वही सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो करके कुछ मतलब नहीं है, रोज़ कचरा फैला के कुछ मतलब नहीं है। तो चलिए, ये तो अलग बात है, अब हम आते हैं उस चीज़ पर। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो सर, आप क्लिकबेट करो। मैंने बोला अच्छा जी, ये क्लिकबेट क्या होता है? हालांकि मैं क्लिकबेट के बारे में जानता हूं कि क्या होता है, लेकिन मैंने फिर भी उनके सामने जाहिर किया कि मुझे पता नहीं है। उन्होंने बोला सर आपके वीडियोज़ के ऊपर आप ऐसा लिखा करो, सुबह 2 घंटे काम, महीना 1,20,000 की कमाई। या ऐसा लिख दिया करो, प्रतिदिन 8,000 रुपए आप इस बिजनेस से कमाइए। या ऐसा लिख दिया करो कि प्रतिदिन 4,000 या 6,000 या 10,000 या 20,000 या 15,000, महीने का 4,00,000 कमाई, रोज का 50,000 रुपए का कमाई, इस तरह आप वीडियो के ऊपर लिख दिया करो, इससे आपका व्यूज बहुत बढ़ जाएगा। तो मैं बहुत सोच में पड़ गया और मैंने सोचा कि क्या इस बारे में मुझे आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो फिर आखिरकार फाइनली अभी रात के 3 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा, क्योंकि वो जो सवाल था वो मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्लिकबेट। तो मैंने बोला इससे नुकसान किसका होता होगा और फ़ायदा किसका होता है। तब मुझे पता चला नुकसान व्यूअर्स का होता है और फ़ायदा जो वीडियो बनाता है उसको होता है। बेसिकली जो भी YouTube पर वीडियोस बनते हैं, उन वीडियोस पे जब व्यूज़ आते हैं तो एड्स आता है, और जब एड्स आते हैं तो उसके पैसे मिलते हैं। ये जाहिर सी बात है, सबको पता है कि YouTube पर पैसे तो मिलते हैं। ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वीडियोस में होता कुछ और है, वीडियो होता है कचरा, लेकिन उसके ऊपर लिख देते हैं महीने का 5,00,000 कमाइए, रोज का 10,000 कमाइए, रोज का 4,000 कमाइए, इस तरह का लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? आपके फायदे के लिए? नहीं, अपने फायदे के लिए। ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा पैसा, पैसा पैसा पैसा, इस तरह से पैसा कमाना सही नहीं मानता हूँ मैं इस चीज़ को।
तो मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं। अब मैं बात करता हूं उस यूट्यूबर महोदय का। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अच्छा एक चीज़ बताओ सर, आपकी एज कितनी है। उन्होंने बोला सर मेरी एज 23 है। मैंने कहा अभी आप क्या कर रहे हो। तो वो बोल रहे सर कुछ नहीं, बस ये YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ और रोजी रोटी बस ऐसे ही चल रहा है। मैंने उनसे कहा कि आपने कभी बिजनेस किया है। उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा आपने कभी चाय बेचा है, कम से कम एक चाय बेचा है क्या आपने। तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने ये पूछा कि आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप मुझे बिजनेस का डेफिनेशन बता दो। बिजनेस का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता है। मैंने बोला ना आपने आज तक एक चाय बेची, ना आपने आज तक कोई बिजनेस किया, आप खुद कहीं पे नौकरी कर रहे थे, वो छोड़ के आपने ये काम शुरू किया और आप लोगों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं। इसमें फायदा आपका है, 2-4-10 हजार रुपए शायद आपको वीडियोस के मिल जाते होंगे, लेकिन इसमें नुकसान किसका है। YouTube चैनल बना लेना और उसके ऊपर बिजनेस की डिटेल दे देना, ये बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात होती है चैनल के साथ मिलने वाली जिम्मेदारी। आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, जिस चीज़ के बारे में आप ABCD नहीं जानते हो बिजनेस के बारे में, और आप उसका वीडियो बना के अपलोड कर रहे हो। लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो YouTube पर है तो ये बिजनेस शानदार होगा, और बहुत सारे लोग अपने ज्वेलरी गिरवी रख के और बिजनेस की शुरुआत करते हैं, और मैं जानता हूं कि उनमें से 99% लोग फेल हो जाते होंगे जो ऐसे वीडियोस देखकर अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। बहुत ही भड़काऊ थंबनेल, बहुत ही भड़काऊ लंबा चौड़ा उसके ऊपर लिख देते हैं, महीने का 1.5 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 3 लाख कमाओ, एक गरीब पूरी तरह से मर जाता है फाइनली। तो ये है YouTube पे जो भी बिजनेस है उसकी सच्चाई। अब हम बात करते हैं कि क्या YouTube वीडियोस बनाने का पैसा मिलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी, और जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो मैं मेरे जेब का पैसा, जो मेरे पास भगवान की दया से उस वक्त कोई कमी तो थी नहीं, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों का भला हो। छोटी सी बात बताता हूँ, जहाँ मैं था वहाँ पे भी मैं लोगों को बिजनेस करवाता था, तो मैंने ये काम शुरू किया। मैंने अपने जेब के पैसे खर्च किए, काफ़ी दिन तक मैंने जो है मेरे जेब का पैसा लगाया उसके अंदर, अभी भी लगाता हूँ, और उस पैसे को खर्च करके मैंने आप लोगों को वीडियो देना शुरू किया। 5 पैसे कहीं से कुछ भी नहीं मिलता था। उसके मुझे लगता है 3 या 4 महीने बाद मुझे पता चला कि वीडियो को मोनेटाइज करूंगा तो पैसे मिलेंगे। मैंने वीडियो को मोनेटाइज किया और वहां से थोड़ी बहुत ट्रेवलिंग का खर्चा मेरा निकल जाता था। अब सवाल लेते हैं कि क्या वीडियोस बनाने के पीछे यूट्यूबर्स का क्या मकसद है। तो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो मोनेटाइज होता है, उसका पैसा मिलता है। ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए लोग क्लिकबेट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया थंबनेल में, अंदर वीडियो में कचरा मशीन रहेगा। ऐसी ऐसी वीडियोस मैंने देखी हैं फूड प्रोसेसिंग के ऊपर कि उसका अगर आप FSSAI लाइसेंस निकालने जाएंगे तो आपको लाइसेंस तक नहीं मिलेगा। ऐसी मशीनों के वीडियोस लोग लगा देते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं प्रतिदिन 4,000 रुपये की कमाई, महीना 1,20,000 की कमाई, या इतने भड़काऊ, जबकि उनको खुद नहीं पता कि इससे कितना प्रोडक्शन होता है, इससे कितनी कमाई एक्चुअली होती है, उनको खुद नहीं पता। वो सिर्फ व्यूज़ के लिए, पूरा चारों तरफ व्यूज़ के लिए हल्ला मचा हुआ है। आप इस चीज़ का यकीन मानिए, मैं यूट्यूब में हूँ तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। सबको व्यूज़ चाहिए, ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, ज़्यादा वीडियोज़ आएंगे, ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। ये कुल मिला के यूट्यूब पर वीडियोज़ डालने की सच्चाई है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप जनता हैं और जनता सबसे बड़ी होती है। आप इस कैटेगरी को, बिजनेस कैटेगरी को जो YouTube पे है, उसको किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आप जनता जनार्दन हैं। अब हम बात करते हैं मेरे बारे में और आपके बारे में। आपको मैंने इंटरनली सारा कुछ बता दिया है कि यूट्यूब पे वीडियोज डालने से पैसा मिलता है, मशीन वाले भी कभी कभार आपको पैसा दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है YouTube में हैं जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं।
मशीन वालों के साथ मिलके आपके साथ फ्रॉड करते हैं। ये भी एक सच्चाई है। मैं इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप पूरा YouTube पर से ही भरोसा ख़त्म कर दें बिजनेस कैटेगरी के ऊपर से, लेकिन ये एक सच्चाई है। कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, ज़्यादा व्यूज़ ज़्यादा पैसा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसमें मत फंसिएगा वरना आपका बहुत नुकसान होगा। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने आया हूँ। अब बात करते हैं मेरी। कुछ दिन पहले बीमार पड़ गया था, आपको फोटोज़ भी मैंने डाली थी कम्युनिटी में। कम्युनिटी का एक्सेस उसी को है जो सब्सक्राइब करके, जिन्होंने बेल का नोटिफिकेशन दबाया हुआ है, उन्हीं को सिर्फ कम्युनिटी का नोटिफिकेशन जाता है। तो मैं हॉस्पिटल में बीमार था तो काफ़ी सवाल आए कि आखिर मुझे हुआ क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे एक्चुअली होता क्या है। 2009 से मैं एक बीमारी से जूझ रहा हूं जिसका नाम है पैनिक डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर कुछ लोग कहते हैं। इसमें बॉडी में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एंजाइटी होता है तो एक सांस लेने के लिए आदमी तड़पता है इसमें, तो मैं उसको फेस कर रहा हूं। तो यही एक बीमारी है मेरी और कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक सवाल ले लेते हैं आखिरी में, जो कि पूछा है मोहम्मद अजीज़ ने। मोहम्मद अजीज़ पूछते हैं कि सर, ब्लॉगिंग के बारे में कृपया बताइए, बहुत बड़ा मार्केट है। तो सच में मेरे चैनल के ऊपर, ब्लॉगिंग के ऊपर अभी तक कोई वीडियो नहीं बना पाया हूँ मैं, लेकिन मैं खुद भी ब्लॉगिंग करता हूँ। अब आप कहोगे कि आप कितने बिजनेस करते हो, तो 10 से 12 बिजनेस मैं करता हूँ। तो ब्लॉगिंग के ऊपर ऐसा है कि ब्लॉगिंग बहुत ही बढ़िया नेटवर्क है। आप घर बैठे, ये जो क्लिकबेट करते हैं ना, महीना 1,20,000 की कमाई, 3,00,000 की कमाई, ये टिप दे के जाता हूँ क्योंकि वीडियो के थंबनेल में मैंने ये डाला था। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, अगर इस चीज़ को आप सीख लेते हो, ब्लॉगिंग को, इसमें टाइम कितना लगेगा? किसी को 1 महीना लग सकता है, किसी को 2 महीना, किसी को 15 दिन, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन ब्लॉगिंग करना अगर आपने सीख लिया तो आप सच में महीना 1,20,000 कमाएंगे सुबह 2 घंटा काम करके। ये सच्चाई ज़रूर है, तो इसको मैं जानता हूँ और इस पर यकीन कीजिए। ब्लॉगिंग बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत पैसा है। इसमें करना क्या होता है, एक ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग मतलब वेबसाइट का दूसरा नाम ब्लॉग, यानी कि वेबसाइट जैसा एक ब्लॉग होता है। उसमें आप अपने विचार को साझा करते हैं। विचार हिंदी में हो सकता है, मराठी में हो सकता है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, किसी भी भाषा में हो सकता है। और उस पर आप जिस चीज़, जिस क्षेत्र में आपको महारत हासिल है, जिस क्षेत्र के बारे में जानते हैं, या गूगल पर भी सर्च करके, बहुत सारे इंग्लिश में जो हैं उनको हिंदी में करके, बहुत ही आसान तरीके से अगर आप एक वेबसाइट बना देते हैं और वेबसाइट बना के उसको अच्छे से लॉन्च कर देते हैं, तो आप एडसेंस अप्लाई करके और ब्लॉगिंग में एड्स लगा के कितने कमा सकते हैं आप जानते हैं? 15,000, 30,000, 75,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000, कोई लिमिट नहीं है। बहुत पैसा कमा सकते हो अगर आपने ब्लॉगिंग को सीख लिया तो। उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, काफ़ी कुछ अंदरूनी बातें जो है आपको जानने को, और काफ़ी कड़वा सत्य आपको आज के इस एपिसोड में जानने का मौका मिला है। उम्मीद करूंगा कि इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आज के एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही आप सवाल पूछते रहिए। अगले संडे से, रविवार के रविवार शाम के 7 बजे आपके सवालों के जवाब, जो भी मेरे वीडियोस हैं, कहीं भी आप कमेंट कर दीजिए और एक वीडियो के माध्यम से करीब एक 15-20 सवाल एक साथ जोड़कर आपको मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो में कहीं भी जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए लघु उद्योग या स्मार्ट आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए स्मार्ट आइडियाज़। हैप्पी सेफ दीपावली, और इस दीपावली में अपने माता पिता का खूब ख्याल रखिए, उनका खूब सेवा करिए। जय हिंद करके आपके सवालों का आंसर मैं मेरे वीडियो